सर, जिस तरीके से आप लोग धरने पर बैठे हैं, क्या प्रमुख मांगे लेकर क्या जा पाए हैं जनता? 9 अगस्त 2018 को केंद्र सरकार के द्वारा अध्यादेश लाया गया कि SC ST कानून में बिना जांच का दरखास्त आया और जेल जाओ, तो यह कानून अंग्रेजों के जमाने के रोलेक एक्ट के जैसा है बाबू। इस कानून को कहां तक सही मानते हैं? अंधा कानून कहते हैं, सही कहां से? यह तो अंधा कानून है, जो किसी के द्वारा दरखास्त दे दी जाए और बिना जांच का दोषी है निर्दोष है जेल भेज दो। इसमें तो 85% आबादी को पशु समझा गया है, 15% के हाथ डंडा दिया गया है कि आप जब जिसे चाहो जेल के सलाखों में भेज दो। इसका हम विरोध कर रहे हैं, आप जांच करो, दोष पाए जाने पर तुम भेजो, दोषी है तो जेल जाएगा ही जाएगा, लेकिन यदि आपने जांच नहीं किया और जेल भेज ही दिया तो फिर फैसला किस बात का? तो हमारी लड़ाई है लोकतांत्रिक जन स्वराज पार्टी का, आवाज है। आज आप मेमोरेंडम देने आए हो? हाँ। किने देने आए? देश के सर्वोच्च संस्थाओं को देना है, माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी को, माननीय राष्ट्रपति महोदय को, आपको सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश महोदय को। मानो क्या मांग रख रहे हैं आप? हमारा 5 मांग है कि ये जो SC ST एक्ट है, इसमें आप जांच के बाद सत्यता पाए जाने पर गिरफ्तारी सुनिश्चित करें। दूसरा मांग है कि यदि 2 वर्ग के समुदाय के बीच में SC ST और अन्य वर्ग से यदि झगड़ा लड़ाई होता है तो वहाँ पर SC ST एक्ट नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि झगड़ा और लड़ाई मारपीट में कोई गीता कुरान का पाठ नहीं होता है। तो जो एक पक्ष भी गाली दिया, सब चीज किया और आप एक्ट लगा दोगे, फिर दूसरे पक्ष का क्या ख्याल करोगे? इसलिए वहाँ एक्ट नहीं लगना चाहिए, जो झगड़ा मारपीट का कानून है वो लगाओ। तीसरा मांग है कि जब SC ST अत्याचार कानून के तहत कांड दर्ज हो और न्यायालय में अपील चल रहा हो, उस समय में स्थानीय पुलिस प्रशासन के द्वारा तंग तबाह नहीं किया जाना चाहिए। जब कोर्ट में ही मामला चल रहा है तो स्थानीय पुलिस का क्या रोल बनता है? अगर यदि वह तंग तबाह करने आता है तो इसका मतलब है वह पशु समझ रहा है। कोर्ट यदि खारिज कर देता है तब उस पुलिस की ड्यूटी बनती है, यदि हम न्यायालय के शरण में नहीं जाते हैं तो वो पुलिस की ड्यूटी बनती है, नहीं तो यहाँ लोअर कोर्ट से बेल नहीं होना है, बेल होना है हाई कोर्ट से। और 90 दिनों के भीतर स्थानीय पुलिस के द्वारा इतनी तंग तबाह की जाती है कि जनता त्राहिमाम है। तो यदि ऐसे स्थानीय पुलिस का कहीं कोई रोल आता है प्रकाश में तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए, उस पर दंडात्मक कार्रवाई की जाए, उसके पदोन्नति पर रोक लगाई जाए, क्योंकि वह पशु समझ करके तंग तबाह करने आ रहा है। और चौथी है कि 85% हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जाति सूचक से दंड से बचने के लिए वो SC ST समुदाय को क्या कहे, आदरणीय कहे, माननीय कहे या किसी अन्य सम्मानित शब्दों से संबोधित करे, सरकार बता दे। SC ST एक्ट का जो आप कह रहे हैं, इसका कहीं ना कहीं कुछ लोग दुरुपयोग भी कर रहे हैं। ज्यादातर, कुछ लोग नहीं, ज्यादातर दुरुपयोग हो रहा है। एक भय का माहौल सा बन गया है, लोगों को लग रहा है कि हमारी आजादी छीन गई, हम फिर उसी अंग्रेजों के शासन में चले गए। और हमने 5वां मांग किया है कि युवा कैदियों को आप नैतिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा का ज्ञान देने की व्यवस्था करो, क्योंकि मानव जिंदा है तो गलती होना लाजमी है। किसी वजह से जेल चला गया, अगर वह 3 माह के अंदर उसका बेल नहीं होना है तो जो बड़े बड़े चोरों से ज्ञान पाता है उससे बेहतर है कि आप वहाँ कोई टेक्निकल शिक्षा सिखा दो, कि बाहर निकलेगा उसी से अपना रोजी रोटी खड़ा करेगा। बापू ने भी तो कहा था, अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं। यही 5 मांग है जो हम देश के सर्वोच्च संस्थाओं के सामने देंगे। आपका नाम? पंडित विपिन तिवारी, लोकतांत्रिक जन स्वराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं।